وإذ قال موسى لقومه يا قوم بما تكفرونني لقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ये सूर्य सफ़ा है, इसके पहले रुके आते हैं आपके सामने। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक वैस खाला ईसा बिन मरियम या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम सद्दक़ लिमा बैन यानी इसमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अहमद की बशारत है कि इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि मैं ना जाऊँगा रूह हक तुम्हारे पास नहीं आएगी। और रूह हक यानी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जाल हक बनकर आए जाल हक वज़हाक बातिल इंदल बातिल खाना, यानी हक आया और बातिल भागा। तो जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह किए और खाने काबा में से जो बुत थे उनको निकालते वक्त यही आप इरशाद फरमाते जाल हक वज़हाक बातिल इंदल बातिल खाना, जाल हक हक आ गया और बातिल भागा और बातिल को भागना ही। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काबतुल्ला में हक बन के दाखिल हुए और जितने बातिल माबूद थे उन सब को निकाल के फेंक दिए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक कहा गया है और कुरान करीम को हक कहा गया है और काबतुल्ला को भी हक कहा गया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी हक कहा गया है। तो यानी हक ये सदाकत की दलील है, तो इसी की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर दिए बाद और अहमद के माने हैं जिसकी सबसे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, ये तफ़ज़ीली सेवा है। हमद के माने तारीफ है, अहमद के माने सबसे ज़्यादा तारीफ, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद इस लिहाज से कहलाए कि आप जितनी अल्लाह की तारीफ किए 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम में से किसी ने भी उतनी तारीफ नहीं की अल्लाह तबारक व तआला की जितनी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम के हर सफ़े पर अल्लाह का जिक्र है और कसरत से दुनिया में अल्लाह के हमद सना बयान करने वाले आज मुसलमान हैं, जो कुरान करीम कायम किया हमद को अल्लाह की तारीफ को। कुरान करीम 24 घंटे तिलावत किया जाता है, पढ़ा जाता है, अल्लाह की तारीफ होती है और उसके अलावा इबादतें नमाज और तवाफ़ हज हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अल्लाह की क्रियाएँ बयान करते हैं, तलवी बयान करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। ये सारे जो है अल्लाह की तौहीद जिस कसरत से मुसलमान अदा करते हैं, दुनिया की कोई काम ये अल्लाह के हम इतनी अदा नहीं कर सकते। तो इसको कायम करने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहमद बनकर अल्लाह की तारीफ दुनिया में कायम किए और बुतपरस्ती का ख़ात्मा कर दिया। बुतपरस्ती आपके बाद
इस्लाम में कभी बुतपरस्ती आने वाली नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फल जाल हक मा युद्दिल बातिल व मा युही, ये हक आ गया और उसके बाद बातिल की ना इब्तिदा होगी और ना उसका इयादा होगा। यानी इस्लाम में कभी बुतपरस्ती नहीं आई। इसके लिए अमली एतबार से भी दुनिया में हर जगह मुसलमान रहते और बसते हैं और हर फिरके के मुसलमान अलग अलग नज़रिया रखने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी मस्जिद में बुत परस्ती नहीं होती, कोई मूर्ति रख के पूजा नहीं करता। बरखिलाफ उसके अगर देखेंगे तो ईसाइयों के चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम के मूर्तियां नज़र आते, स्टैचू नज़र आते, चर्च में लटकाए रखते, इंसान का जैसे सलीब पे ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था, इस तरह चर्चों में भी लटका के तस्वीरें बनाई जाती, चर्चों के बाहर भी जो है ना स्टैचू लगाए जाते। लेकिन इस्लाम में कहीं भी छोटे से छोटे गांव में एक खेड़ा खरिया है जहां पर मुसलमानों को सही कुरान पढ़ना नहीं आता, सही इस्लाम की तालीमात, लेकिन किसी मस्जिद की घड़ी पर भी कोई मूर्ति की एक तस्वीर नज़र नहीं आती। यह तौहीद इस्लाम के अंदर रूह होने की यह जिंदा दलील। और वेदों के अंदर मूर्तियों का खंडन किया गया कि एक प्रभावी और नत्य प्रतिमा थी, ये जो है ना उसकी कोई प्रतिमा नहीं है और वो एक ही है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये साफ वेदों के अंदर पुराणों के अंदर लिखा हुआ है कि जो है भगवान न काष्ठ विद्यते देवा न पाषाण न मूल में भावे न विद्यते देवा या भावम तत्पति, वो मिट्टी में है न पत्थर में है न लकड़ी में है और न किसी वस्तु में किसी चीज़ में भगवान नहीं है, वो निराकार निरंजन है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ब्राह्मणों को देखेंगे, चाहे सनातनी हो या और कोई दूसरे वाममार्गी हो, आर्य समाज भी तौहीद के सख्त जो है ना बातें करने वाले होते, लेकिन उनके पास भी मूर्तियाँ जो देखने में नजर आती मंदिरों के बाहर या घरों में, ऐसे मूर्तियाँ जो है ना लगाते, पूजा नहीं करेंगे लेकिन बराबर मूर्तियों का आदर करते। तो चार वेद जानने वाला, चार वेदों का आचार्य पंडित होने के बावजूद भी वो मूर्तियों में बैठता है, मूर्तियों में बैठ के पूजा पाठ करते हैं, सनातनी होते हैं, बुत परस्त बुत परस्त। तो किसी भी मजहबी किताब में बुतों का जो है ना तस्करा नहीं है, बुत परस्ती करने का हुक्म नहीं है। मजहबी किताबों में अम्बिया अलैहिस्सलाम के यहाँ के वैदिक संस्कृति में, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मूर्तियों से बच नहीं सकते। बराबर मूर्तियाँ या तो मूर्तियों का आदर, अगर पूजा पाठ नहीं भी करेंगे जैसे आर्या है, मूर्तियों की सब मुखालिफत करते लेकिन जो है उसका आदर करते, कोई करते तो उसकी जो है निंदा करते, लेकिन उसको ख़त्म करना और जो है उसको जड़ से उखाड़ देना, ये चीज़ उनके अंदर आर्य समाजों के अंदर नज़र नहीं आती। बल्कि कई जो है ना ऐसे स्टैचू बना के रख भी देते अपने आश्रमों में या बाहर या घरों में भी रहते तस्वीरें वगैरह, तो उसको बुरा नहीं समझते। तो इस तरह हर मजहब के अंदर अगर देखेंगे तो बुतपरस्ती जो है किसी न किसी तरीके से घुसी हुई है, लेकिन इस्लाम की जो मसाजिद हैं, इस्लाम की इबादत गाहें हैं, इसमें कहीं भी किसी तरीके से भी कोई जो है ना बुतपरस्ती का शायबा नज़र नहीं आता। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अहमद हैं, तो अहमद के माने अल्लाह की सबसे ज़्यादा कसरत से हमद करने वाले, तारीफ अल्लाह के कायम करने वाले। तो ईसा अलैहिस्सलाम यही बशारत दिए कि मेरा जाना ज़रूरी है, जब तक के मैं ना जाऊँगा और तुम्हारे पास रूह हक नहीं आएगा, यानी रूह हक अहमद है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप आने के बाद ये लोग जो है ना मुनहरिफ है, यानी बहुत से ईसाई इस्लाम कबूल करें, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, लेकिन कुछ लोग जो है इसको अड़े रहे, कसरत से मुखालिफत करें हक आने के बाद। ये हमेशा हर समाज में और हर जगह ऐसा होता, हक आने के पहले लोग मुंतजर रहते, उनका इंतज़ार करते, उन पर दम भरते रहते और जब आने के बाद में मुखालिफत करते, आधा सहर मुबीन, ये तो जादूगर है दीवाना है, इस तरह जो है ना इल्ज़ाम लगाते। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के पहले ईसाई बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, यहूदी भी बेचैनी से, तौरात में बशारत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुझ जैसा एक नबी बरपा करने वाला हूँ और मैं अपना कलाम उसके मुँह में डालूंगा
और वो वही कहेगा जो मैं कहूँगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। तो इसकी जो है ना अल्लाह खुली दलील कुरान पाक में अल्लाह ताला दिया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से एक बात भी अपनी तरफ से नहीं कहते, और आपका जो भी फरमान है वो तो वही इलाही अल्लाह का कलाम। इतना जो है खुला सबूत कुरान करीम में रहने के बावजूद भी यहूदी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसे दिए। और जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में आप थे, तो यहूदी आए, एक यहूदी अपने बेटे के साथ आया, आकर हुजूर नबी अकरम, क्योंकि उसके निशानात बयानात की वजह से यकीन हो गया था कि इस वक्त वो मदीने में मौजूद है, तो मदीने में आया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया, मुलाकात किया, बात किया और सारे निशानात बयानात सब देखा जो उनके पास लिखे हुए थे। उसके बाद वो बजाय इस्लाम कबूल करने के मायूस होकर वापस लौट रहा था, तो उसका बेटा था, तो उसने पूछा कि वालिद बाजान क्या ये वो नबी नहीं है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसके निशानात हम लेके आए थे? तो कहता है बिल्कुल वही है जो हम हमारे जो निशानात हमारे पास लिखे हुए हैं, तो ये वही नबी हैं, तो फिर आप क्यों नहीं माने उनको? तो वो कहता है कि ये बनी इस्माइल में से आए, बनी इसराइल में से नहीं आए, हमारे हमारे ख़ानदान में आना चाहिए था, यानी यहूदियों में पैदा होना चाहिए था, ये अरबों में पैदा हुए। तो इतना जो है ज़ात का बुत, हालांकि निशानात जो थे वो पूरे हक सही साबित हुए, लेकिन अपनी ज़ात का या अपने ख़ानदान का, अपने कबीले का ऐसा जो है ना तकब्बुर और गुरूर होता या उसके अंदर अज़बियत होती कि वो यहूदियों में से नहीं। तो आज यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भी यही है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बे इंतहा यहाँ के वेदों में, शास्त्रों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं। आपको खीरी कहा गया, यानी आप अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले, कीर्तन करने वाले और अल्लाह की किबरियाई बयान करने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नराशंस कहा गया, नराशंस के माने होते मोहम्मद, अहमद सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी तारीफ दुनिया की हर किताब में लिखी हुई है, जिसकी तारीफ अल्लाह पाक ने भी अपने कलाम में किया है, हर नबी के किताबों में, मुकद्दस किताबों में मौजूद है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ, बशारतें हिंदुस्तान के वेदों में, शास्त्रों में, यहाँ के मुकद्दस किताबों में, हर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात लिखे हुए हैं, और मक्के का जिक्र है, मदीने का जिक्र है और सहाबा का जिक्र है, ये सारे तस्करे यहाँ की किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन इनका ये जो है इस्तदलाल होता या इनका ये कहना होता कि वो हमारे हिंदू समाज में नहीं आए, हमारे यहाँ पर अवतार हिंदुस्तान में आते हैं, तो यहाँ के हमारे समाज ब्राह्मणों में नहीं आए, क्षत्रियों में नहीं आए, इस तरह यहाँ के लोगों का कहना है। हालांकि अल्लाह का रसूल दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी मकाम पर आ सकता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने हर कौम की ज़बान में हर जगह रसूलों को भेजा, और जो है वह इमिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, कि हर उम्मत में हमने रसूलों को भेजा है और कोई करिया बाकी नहीं, हर जगह अल्लाह ताला भेजा है, तो अरब में भेजा, अजम में भेजा, हिंदुस्तान में भेजा, दुनिया के हर कोने में भेजा, तो अल्लाह तो एक ही है, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हो या अरब के हो या दुनिया के किसी कोने के हो, सब एक ही खुदा को मानने वाले हैं। जब सब एक खुदा को मानने वाले हैं तो वो खुदा, सारी कायनात खुदाए वाहिद की है, तो वो अपने नबी को कहीं भी उतार सकता है, कहीं भी भेज सकता है। तो वो अरब में भेजा, तब हिंदुस्तान वाले नाराज़ हो रहे कि अरब में हमारे कल के अवतार अरब में कैसा आते, अरब में क्यों कराते, हमारे हिंदुस्तान में आना चाहिए था। तो अल्लाह का हिंदुस्तान ही मुकद्दस है, दूसरा इलाका नहीं, दुनिया का हर इलाका अल्लाह के अल्लाह का है, तो अरबस्तान में क्यों आए, इसके भी बहुत सारे दलाइल हैं, क्योंकि अरब जो है ना दुनिया का मरकजी जो है ना नाबिस्तान है, सेंटर है पूरी दुनिया का, और वहाँ पर आने की बशारतें मौजूद है कि संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मा रहा भवने विष्णु ईश्वर सहा कल की ही प्रादुर्भव भविष्य थे, संभल ग्राम में आएंगे। संभल ग्राम का माना डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय किताब लिखे कल के अवतार मोहम्मद साहब, उसमें इसका तर्जमा किए कि संभल ग्राम के माने किए दारुल अमन, अमन की जगह,
जहाँ पर अब तो बलदुल अमीन जो काबतुल्ला को दारुल अमन या बलदुल अमन कहा गया है वहाँ पर आप आएंगे, जहाँ पर जंग उस इलाके में यानी हरम के इलाके में जंग करना मना है, ममनु किया गया, और जिसको यहाँ के वेदों के अंदर अयोध्या कहा गया, धनुर्वेद में अयोध्या बताया गया, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्ग ज्योतिषवर्तः, वो जो है ना स्वर्ग के समान, ज्योति के समान जो है ना जगमगाता रहेगा, स्वर्ग स्वर्ग के समान रहेगा, ज्योति की तरह जगमगाता रहेगा, और अयोध्या होगा। अयोध्या के माने कि जहाँ पर युद्ध नहीं होता, जैसा अधर्म के माने धर्म नहीं, अशांत के माने जहाँ शांति नहीं, और इसी तरह अयोध्या के माने जहाँ पर युद्ध नहीं। तो अयोध्या हकीकत में काबतुल्लाह है, जहाँ पर कभी जो है ना जंग नहीं की जा सकती, जहाँ पर मना किया अल्लाह ताला, जंग जिदाल करना मना किया, अमन का मकाम। आप देखेंगे कि चार महीने हुरमत के महीने हैं अरबों के पास, दौरे जहालत में जब भी अभी इस्लाम नहीं था उस वक्त भी इस जो है महीनों का एहतराम करते थे। जब हज के लिए दुनिया दुनिया भर से हर तरफ से लोग जाते थे तो ज़िलहज और ज़िकत और मुहर्रम, यानी ज़िलहज हज के लिए जो आने वाले लोग हैं एक महीना पहले से हुरमत जो है ना लागू कर देते थे। ज़िकत का महीना यानी जिसको जो है ना ज़िलहज से पहले हमारे यहाँ पर बंदा नमाज का महीना कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग नाम है, तो ज़िलहज से पहले जो आता है ज़िकत, तो ज़िकत का जो महीना है वो हुरमत वाला है, इसलिए कि हज का इरादा करके अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए दूर दूर से लोग एक महीना पहले निकल जाते हैं, तो इसलिए उनको रास्ते में कोई उनके साथ शरारत ना करे, जब वो अहराम बांधे तो उसके लिए उन पर कोई ज़्यादती नहीं कर सकता। ये दौरे जहालत में जबकि वो लोग बुतपरस्ती करते थे, लेकिन इंसानों की हुरमत ऐसी थी कि वो अल्लाह के लिए अल्लाह के घर के लिए जब निकलते तो उन पर कोई दस्त राजी नहीं करते। तो एक महीना पहले, उसके बाद में जहाँ जब जाकर हज किए, उसके बाद हज के बाद फिर वापस लौटते हैं, तो दूसरा महीना हज के बाद दूसरा जो महीना मुहर्रम का है वो भी हुरमत वाला है। ज़िकत, ज़िलहज और मुहर्रम ये मुतवातिर जो है ये हुरमत वाले महीने हैं। इसमें जंग हराम है, जंग करना जो है ना जायज़ नहीं इस इलाके में तीन महीने में। तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला उनके दिलों में अरबों के अंदर फितरतन कुदरतन ऐसी जो है अल्लाह ताला भर दिया। तो ऐसे इलाके में आएंगे जहाँ पर दारुल अमन होगा, शांति का मुकाम होगा, और जो है वहाँ के लोग सारे दुनिया के नाभि नाभिस्थान में सेंटर में रहेंगे, दुनिया के मरकज में रहेंगे। इस वजह से मरकजी नबी और जो है सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया और जो है जिसको यहाँ पर स्वर्गुरम कहा जाता है, स्वर्गुरम यानी जो है ना सैयदुल मुरसलीन, तमाम गुरुओं के अध्यक्ष और जो है ना उनके सारे 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 गुरुओं के जो है मरकजी अहमियत रखने वाले वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके मतलब ये लिखा हुआ था, इस वजह से मक्के में आए, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ये बराबर जो है ना तकरार करते, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में आना चाहिए, कि विष्णुचारी जो होते हैं विष्णु के मानने वाले, 10 अवतार के खाले, मत्स्या, कोरमा, वर्षा, नरसिम्हा, वामना, भार्गव, राघव, कृष्णा, बुद्धा, कल्कि, बहुत तक तो मानते हैं। कल्कि अवतार के बारे में जो है और अलग अलग अपने अकीदे बना लिए, हालांकि शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार जो आएंगे वो जो है ना बुतों को तोड़ेंगे, यानी जो है ना कलम को दूर करेंगे, मूर्ति पूजा का नाश कर खातिमा करेंगे, उनके बहुत से निशानात हैं, सहाबा के साथ आएंगे, नाम मोहम्मद होगा, इतस्मिन अंतरे मिले आचार्य ने समन्वित मोहम्मद तख्याता शिशुषा का समन्वित, उनका नाम मोहम्मद होगा, शिशुगण के साथ आएंगे, और रेतेले इलाके में आप आएंगे जहाँ पर पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सारे चीज़ें यहाँ की किताबों में लिखी हुई, लेकिन मानने के लिए कोई जो है तैयार नहीं होता। बहुत से लोग मानते भी हैं कि लाखों की तादाद में लोग हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और जो बड़े बड़े वैदिक सिद्धांत रखने वाले और वैदिक ज्ञान रखने वाले वो लोग भी इस्लाम को तस्लीम करें, कई पंडित किताबें लिखे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हिंदुस्तान में, लेकिन जो है बहुत से लोग अड़े हुए रहते हैं कि हमारे समाज में ब्राह्मण समाज में नहीं आते। हालांकि ब्राह्मण किसी जात का नाम नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जाने तो ब्राह्मण, ब्रह्म का जो ज्ञान जानता है वही ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्ति वर्तते, ब्राह्मण वो है जो सारे धर्म का ज्ञान रखे और जो है ना उसकी कीर्ति, उसके जो है ना औसाफ सारी दुनिया में माने जाए, और उसके जो उसूल है वो पाकिजा उसूल, वो ब्राह्मण है। तो जैसे आर्या, आर्या के माने क्या है, आर्य सर्वश्रेष्ठ,
साफ सुथरा रहने वाला, कोई जात नहीं है। तो लोग जात बना लिए, ब्राह्मण की जात, क्षत्रिय की जात, वैश्य की जात, शूद्र की जात, ये जातें बना के रखे, और इस जात में पैदा होने वाला ही ब्राह्मण है, ये अकीदा बना लिए। तो अब जो है, जो मजहब का जो उसूल है, जो पाक है वो ब्राह्मण है, जो नेक है वो ब्राह्मण है। तो इस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहाँ पर आए वो पाकिजा लोग थे, पाकबाज लोग थे, अरब अपने आप को जो है बोलने वाले बासलाहियत लोग, और जो है ना तहजीब वाले, तमद्दुन वाले लोग कहलाते थे। क्योंकि लोगों की जो है ना मेहमान नवाजी करना और उनको खिलाना पिलाना, अखलाक बहुत ऊंचे बुलंद अखलाक, सहाबा इकराम के अखलाक जो है इतने बुलंद अखलाक थे, खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाते। लड़ाई झगड़ा आपस में तसादुम होता था अलग बात, लेकिन इंसानियत की जो तकरीम है वो अरबों के अंदर हद दर्जे की थी। इसीलिए अल्लाह ताला सहाबा इकराम को कुरान करीम ने फरमाया, अंतुमुल आलान, अंतुमुल आलान, तुम जो है ना बहुत आला हो। इनको तो मोमिनीन, जो मोमिन बन गए थे वो आला जो है, तो इसी को आला जो अब्दुल सिफात होते हैं उसी को ब्राह्मण या आर्या कहते, आर्या जो है ना कहते। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आला जात कुरैश, जो सबसे बड़े जो है वहाँ के कबीले थे, उसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपकी जो है ना आपकी पैदाइश हुई अरबों के अंदर। तो ये चीज जो है वहाँ पर थी, लेकिन ये सिर्फ अपने कबीले को फौकियत दे के या अपने मुल्क को फौकियत दे के, दूसरे कितना भी बड़ा इंसान कितने भी बड़े निशानात लेके आए तो मानते हैं, इस तरह हर जगह हुआ। तो इस तरह यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे के मुसद्दिक लिमा बैन यदैय मिन तौरात मुबशिरन बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये वो जो है बशारत, एक नबी की जो है ना बशारत दे रहे हैं ईसा अलैहि सलाम, मेरे पास जो एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम है मुबारक अहमद हो। तो वो अहमद जो है कोई दुनिया में अहमद के नाम से जाने नहीं जाते, आज मुखालिफत करने वाले ही सही, उनको आप अगर नाम अहमद पूछेंगे तो वो मुसलमानों में ही बताएंगे, दूसरे किसी जो है जात में नाम अहमद या किसी मजहब में नाम अहमद रखने वाले नहीं मिलते। और एक बात ये भी है कि इंजील की जो जबान थी, इंजील की जबान में भी वहाँ पर जो है जैसे फारकलित है और इसी तरह अरबी में अहमद है, तो नाम क्योंकि इंजील के जो है तर्जमे बदल जाते तो उसके अल्फाज भी बदल देते तर्जमे। कुरान करीम एक वाहिद अल्लाह का कलाम है जिसका असल टेक्स्ट, असल जो मतन है, असल जो जो किताब की तहरीर है वो 1400 साल से आज तक अलाहल बाकी अरबी, अरबी के बाद नीचे जो है ना उर्दू का तर्जमा होता। दुनिया के चाहे किसी भी जुबान में कुरान करीम को जो है ना पढ़ा जाए तो अरबी का टेक्स्ट बराबर है, अरबी को कोई कभी जो है ना ख़त्म नहीं किया। लेकिन इंजील के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ कि उसकी जो असल जबान थी वो ख़त्म कर दी। अब बड़े बड़े महक्क जो है ना तलाश कर कर के भी असली जो है ना जो ईसा अलैहिस्सलाम का जो असली जबान का जो टेक्स्ट है वो ला नहीं सकते, अवाम के सामने आज नहीं है देखने के लिए। इस वजह से अब तर्जमे 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 करके, अब जैसे तेलुगु की इंजील है तो जहाँ पर अहमद का लफ्ज़ है वहाँ पर आदरणकर्ता लिखा, अगर अंग्रेजी का जो है ना बाइबल है अंग्रेजी है तो वहाँ पर कम्फर्ट लिखती है, और इसी तरह उर्दू की जब तर्जमा करे तो रूह हक लिखती, रूह हक लिखती। तो अरबी की जो जुमला है वो अहमद, और ये अहमद का लफ्ज है दूसरे दीगर जबानों में भी मौजूद था, यानी कि सिर्फ अरबी में है, बशारत के बिना पर जो है दूसरे जबान में नाम मोहम्मद जैसे यहाँ के पुराणों में मिलता है, भविष्य पुराण प्रसर्गतीन खान थीन और श्लोक नंबर 5 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। तस्मिन अंतरे मैंने चाचा ने संबंध में कहा मोहम्मद इत्याख्यात मोहम्मद लिखा हुआ है, और आईने समर मताहा प्राप्तवान दैत्य वर्धनहा मोहम्मद इत्याख्यात पश्चाचि तत्पति प्रहा इति श्रुत्वा नरपच्चेवा सदेशान पुनराह। ये जो है भविष्य प्राण में 5 जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिखा, हालांकि भविष्य प्राण संस्कृत है, संस्कृत जबान में लिखी गई, लेकिन संस्कृत जबान होने के बावजूद भी नाम मोहम्मद जो अरबी नाम वो यहाँ पर बशारत की बिना पर मौजूद है, इसी तरह इंजील में भी मौजूद था, और जो है वो उसमें जो असल जबान उसी को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ईसाई बहस करने के लिए आए तो आपका नाम तो मोहम्मद है तो आपका नाम अहमद भी रखा गया, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए फरमाए
कि तुम्हारी जो बशारत है उसको अगर तर्जुमा अरबी में करेंगे तो अहमद ही होगा। तो अहमद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी नाम है और ज़मीन पर जो आपका नाम पैदा है बात रखा गया वो मोहम्मद है, अहमद मोहम्मद, यह आपकी जो है ना असली बुनियादी नाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों का जो वफ़ा रहता है उसमें साबित करे कि जो ईसा अलैहि सलाम की जो बशारत थी अहमद की वो मुझसे जो है पूरी की। तो उसके बाद अहमद पलम जाबीनाती खालो हजा सहर मुबिन, जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद को पेश करे कि मैं ही जो ईसा अलैहि सलाम की बशारत हूँ, अना बशारत ईसा अना दावत अभी इब्राहिम, मैं इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहि सलाम की मैं बशारत हूँ, तो वो इंजील के माने ही बशारत के हैं, इंजील जो है बशारत को कहा जाता है, तो इंजील के माने बशारत, तो मुबशरात इंजील में क्या है बशारतें हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके आने के बशारतें, इसलिए इंजील के कई जो है ना हिस्से अलग अलग बनाए गए। बरनबास की इंजील है, कोई ईसाई मानता नहीं, बरनबास जो है ईसा अलैहि सलाम के शागिर्द है उन्हें इंजील लिखे, उसमें कई जगह नाम मोहम्मद अहमद पूरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाबात नाम सब लिखे हुए, लेकिन ईसाई जो है ना उसको दबा दी। आज ये जो इंजील है, आज लोका की इंजील, मरकज की इंजील, मिता की इंजील, योहन्ना की इंजील, ये चार इंजीलें जो है ना भरोसा करके रखे, हालांकि इंजील जो सबसे पहले जमा करे 100 लोग इंजील लिख के लाए कि मेरे पास ईसा अलैहि सलाम की असल इंजील है, मेरे पास ईसा अलैहि सलाम की असल बाइबल है, ये 100 लोग लिख के लाए, परेशान हो गए। इंजील तो एक होना चाहिए जैसे कुरान, आप किसी भी जगह जाएंगे किसी भी मुल्क में जाएंगे तो कुरान एक ही मिलता है अलहमद से लेकर वरनास तक, इसमें कोई तब्दीली नहीं, 4 कुरान किसी के पास नहीं, एक ही कुरान है, लेकिन जो है इंजील में सरदर्द है कि 4 इंजील है और 4 इंजील में एक बयान है, एक इंजील में अलग बयान है तो दूसरे इंजील में अलग बयान है। मिट्टी की इंजील एक जो है ईसा अलैहि सलाम के उनके जो है वंशावली यानी उनके सिलसिले नसब से शुरू होती है तो दूसरी इंजील में वो सिलसिला गायब हो जाता, तो अलग अलग जो है ना बातें भाई, जब कुरान आप 4 कुरान लेके आएंगे तो सब अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते और सूरह फातिहा के बाद सूरह जो है ना बकर शुरू, तो ऐसा शुरू होना चाहिए इंजील 4। मगर इसमें थोड़े बातें सही है थोड़े गलत हैं, इसमें थोड़े बातें सही है थोड़े गलत हैं, तो इस तरह जो है 4 इंजीलों को सेलेक्ट करें, 100 इंजीलें लाए थे, 100 इंजीलों को अगर जमा करते तो कोई पढ़ ही नहीं सकता था, 4 इंजील, फिर उसके अलावा रसूलों के अमाल यानी पॉल जो ना पोलस था, पोलस की जो ना खतूत को भी उसमें शामिल कर दिया इंजील में, 4 इंजील खत्म होते अब पोलस की जो ना खत शुरू हो जाता, पोलस वहाँ बुलाए ये भी इंजील का हिस्सा बना, अब वो ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुआ था नहीं हुआ था उसकी बहस ही नहीं। तो ये जो है 4 इंजीलें, एक इंजील के बजाय 4 इंजीलें जमा करें और इसमें अलग अलग जो ना तजाद बयान जो इसमें है वो उसमें नहीं, उसमें है जो इसमें नहीं, तो इस अब ये 4 इंजीलें बयान जमा करें तो वो भी हर एक जबान में अलग अलग तर्जुमा करें, कुरान की तरह असल जो है ना उसका टेक्स्ट नहीं रखे, तो 4 फुट जो है सही उसका जो मतन है उसका जो टेक्स्ट है असल जो उसकी राइटिंग है उसको नहीं रखे, तर्जमा कर दें, फिर तर्जमा में कई जो है ना बिगाड़ आती है, इस वजह से जो है वो अहमद लफ्ज अहमद किया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जो बशारतें थे वो बशारतें जो है ना दब गए, और अगर कोई बरनबस की इंजील ला के पेश करे तो कोई जो है ना मानने के लिए ईसाई उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, बहरहाल क्योंकि उनको मानना नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम को मानना नहीं है, इसलिए वो क्या बोले कि जो है फलम्मा जाहुम बिल बजीनात निशानात के साथ जब आए तो कहा कि कालु हाज़ा सेहर मुबीन, अरे ये तो खुला जादूगर है और इसको जादू आ, तो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी यही जो है ना सरदर्दी हुई, ईसा अलैहिस्सलाम को पूरे यहूदी थोड़ी माने, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि मैं जो है ना तौरात की तालीमात को लेके आया, मैं तौरात जो ना बशारतों को लेके आया और जो तुम्हारे पहले जो अंबिया बशारत दिए थे कि एलिया आएगा येसु आएगा वो नबी आएगा, वो बशारतें जो है ना सुनाते हुए ईसा अलैहिस्सलाम है और अपने वजूद को पेश करे कि जो जिस मसीह का आने का जिक्र है वो मैं हूँ, मगर यहूदी जो है ना सब ईसा अलैहिस्सलाम से नफरत करने लगे, आज तक ईसा अलैहिस्सलाम का वो लोग इंतजार करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते यहूदी, सेम उसी जो है ना रास्ते पर ईसाई भी हैं कि बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुले बशारतें होने के वो बशारतों को उड़ा दी,
आज है कि रूहुल कुदस आने वाली है, या अब ईसा अलैहि सलाम को तकरीबन दो तसलीस जो है ना अकीदा बना के रख दिया, तीन वन वन इन थ्री, तीन में जो है ना एक है, एक में तीन है और एक से जो है ना तीन है, इस तरीके का जो है ना तसलीस अकीदा पैदा कर दिया। तो इस वास्ते जब भी बयानात के साथ आते तो मानने वाले नेक लोग होते, और जो जाहिल है या जिनके अंदर नफरत है, अदावत है, वो लोग हमेशा हुज्जत करते हैं। हुज्जत आईने नौ से डरना, रस्म कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। यानी जो है नया कोई कानून आया तो उस पर पुराने अकायद पे अड़ जाते और नए कानून से लड़ते रहते, ऐसा क्यों हुआ, पहले नहीं था, अब क्यों हुआ, इस तरीके के जो ना झगड़े फसादात पैदा करते। हालांकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले तौर पर सारे बयानात जो ना वमन अजलम मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और वाकई जो है ना इस शख्स ने वमन अजलम यानी उससे बड़ा जालिम कौन है मन इफ्तरा जो है ना इफ्तरा बांधता है अल्लाह पर अलल्लाहि कज़िबा झूठ का, वो हुआ युदा अलल इस्लाम, जबकि वो जो है इस्लाम की तरफ उनको बुलाया जा रहा है, सलामती की तरफ जो है ना उनको बुलाया जा रहा है, यहूदियों को जो है सलामती की तरफ यानी इस्लाम की तरफ यहूदियों को ईसाइयों को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो अड़के ठहरे कि जो 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 है ना ये जादूगर है सहर मुबीन है ना खुला जो है ना खुला जादू करने वाले लाजहदिल तो वल्ला हो लाजहदिल कमस जालिम, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता और इस्लाम की तरफ बुलाया। इसमें और एक नुक्ता ये भी है कि इस वक्त जो है कि अहमद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है, तो कादियानी एक जो है इसके अंदर इस्तदलाल निकालते कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो ये जो अहमद की जो बशारत है, एक तो इधर ईसाई जुल्म कर रहे हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नाम अहमद जो है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं, ईसा अलैहि सलाम को भी मानते हैं, यहूदी भी नहीं मानते, और ये बशारत खुले नशाना देखने के बावजूद। लेकिन आज जो है एक नया सरदर्द क्या है कि जो कादियानी वो लोग ये कहते हैं कि अहमद की जो बशारत है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, हालांकि वो अहमद नाम नहीं है, गुलाम अहमद जो है नाम है, अहमद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है गुलाम को कट करके अहमद साबित करना चाहते हैं कि अहमद ये बशारत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि जो है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के लिए। तो अब इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान नाजिल होने के बाद अल्लाह ये बयान फरमा रहा है कि फलम्मा जाहुम बिल बय्यिनात, फलम्मा जा जो है माजी का सेवा, आया आएंगे ने, अगर ये बात के लिए होता तो अल्लाह ताला जो है वो मजारे का सेगा इस्तेमाल करना करता था याती आएंगे, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला फरमा रहे कि जा के माने जो ना आया, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आने के बाद ये और रुए सुखन किसकी तरफ है, मुसलमानों की तरफ नहीं बल्कि यहूदी और ईसाइयों की तरफ, और अल्लाह ताला खुला यहाँ पर बना बयान फरमाया कि जो है ना बनी इसराइल क्या या बनी इसराइल वैज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, यानी जो है ना मुखातिबत बनी इसराइल से है कि बनी इसराइल को ईसा अलैहि सलाम बशारतें दिए और ये लोग अड़के बैठ गए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन इनका यह है कि 1400 साल से जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब कुरान नाज़िल हुआ आए, तो वो लोग ये कह भी दिए कि ये हज़रत सहर मुबीन है, बोला जादूगर है, तो लोग इससे जो है इस्तदलाल करते हैं कि वो आएंगे, और वह युदा अलैहि सलाम लेके वो जो है ना वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा, यानी जो है मिर्ज़ा साहब को जो है मुसलमान इस्लाम की तरफ जो है ना याद करेंगे, इंतजार करेंगे, बुलाएंगे, ये इस्तेदाल करते हैं। हालांकि वह युदा इलल इस्लाम जो है वो यहूदियों को इस्लाम की तरफ बुलाया जा, यहूदी और ईसाई जो इस्लाम से तकरार कर रहे थे उनको वो इस्लाम की तरफ बुलाए जा रहे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं कि वो जो है ना ये अहमद को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा, अहमद को मुसलमान बुलाने के लिए इंतजार में बैठे हुए, ये मनगढ़ंत और जो है ना बेजा तफसीर करके उम्मत में इख्तलाफ और उम्मत के अंदर फसाद पैदा करते हैं, और ये तफसीर जो है बात के आने वालों की है,
कुछ जिनका नाम अहमद अहमद गुलाम अहमद है उन्होंने ये तफसीर नहीं की। बाद के आने वाले लोग जो है ना उल्टी पलटी तफसीर करके और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ऐसी जो है ना उल्टी तफसीर करके मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ और फितना बरपा कर। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये झांसा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान करीम अपनी तफसीर आप करता है। कुरान करीम किसी की तफसीर का मोहताज नहीं। कुरान एक आयत की तफसीर दूसरी आयत जो है ना करके दिखाए, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये माजी का सेगा इस्तेमाल होना खुद इस बात की दलील है कि कुरान आने के बाद जब इमाम हुज्जत हुई और हुजूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात और बयानात उनको जो है ना दिखाए गए, तो वो लोग निशाना ज़ाहरा पूरे निशाना देखने के बावजूद भी वो जो है ये तो जादूगर है, खुला जादूगर है, ये हुजूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो हुज्जत हुज्जत करके निकल गए। जो नजरान से जो वफद आया था, नजरान का बहुत बड़ा जो है तकरीबन 15 दिन मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी में थे ईसाई, और ये सारे दलाइल सामने रखने के बाद यहाँ तक के मुबाहले का तक जो है ना एहतमाम किया गया था और वो घबरा गए मुबाहले से, उसके बाद जो है ना उठ के चले गए। नहीं माने कि अब जाके लोगों को क्या बोले, अरे वो तो जादूगर है, कालू हाजर शहर मुबीन है, वो जो है ना खुला जादू करते हैं। तो ये क्योंकि दलाल तो खत्म हो गए थे, अब ये इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं कि आदमी को बोलते जादूगर है, दीवाना है, पागल है, इसके लिए कोई जो है ना मजहबी किताब की दलील की जरूरत नहीं। कि हर नेक इंसान के साथ इस तरीके की जो है ना मुखालिफतें होते रहे। बहरहाल ये जो कादियानियों का जो धोखा है, इससे भी जो है मुसलमानों को समझना चाहिए। ये बिल्कुल जो है कुरान करीम की जो है ना मनगढ़ंत तफसीर करके उम्मत के अंदर इख्तलाफ और फिरका जो है पैदा करना चाहते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई दुनिया ईमान के लिए और जो है इस्लाम को बढ़ाने घटाने के लिए किसी जो है ना वजूद की जरूरत नहीं। इस्लाम मुकम्मल दीन, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ितु लकुम अलइस्लाम दीना। अब जो भी आएगा वो खादिम इस्लाम बनकर आएगा, उसकी किसी तरीके से किसी जो है ना किसी कीमत किसी किस्म की भी जो है ना इत्माम हुज्जत मुसलमानों पर नहीं होगी। अगर वो जो है ना भी आए तो इस्लाम को कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वो आए भी तो इस्लाम को कुछ बढ़ने वाला नहीं है। इस्लाम मुकम्मल हो गया, कुरान करीम मुकम्मल हो गया, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मुकम्मल है। अगर कोई आता भी है तो अपने फायदे के लिए, अपनी जो है ना नजात के लिए, अपने मरातिब को जो है ना बुलंद करने के लिए आता है, लेकिन इस्लाम को बढ़ाने घटाने का कोई जो है ना सामान उसके पास नहीं होता। वो मुत्तबे सुन्नत हो और मुत्तबे कुरान हो और मुत्तबे इस्लाम हो, इस्लाम आना जरूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इस बात को जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। जुल्म क्या है? गलत तस्वीर करना है सबसे बड़ा जुल्म। जुल्म के माने यह है कि किसी असल चीज को हटाकर उसकी जगह से जो है ना हटा देना, और वो उसकी जो है जहाँ पर वो चीज रखने की जगह नहीं है वहां पर रख देना। मिसाल के तौर पर टोपी जो है ना सर पर रखने वाली, अगर कोई पैर में अगर पहने तो ये जुल्म है, और पैर के जूते जो है वो पैर में पहनने के लिए अगर वो कोई सर पर रख दे तो ये जुल्म है। तो ये जो है गलत इस्तेमाल का नाम जुल्म। इसी तरह गलत तस्वीर करके दुनिया के अंदर फसाद पैदा करना, ये भी सबसे बहुत बड़ा जुल्म है। इस वास्ते अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता, वो रांदे दरगाह हो जाते हैं, नीस तो नाबूद हो जाते हैं। इस्लाम को कोई जो है ना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस्लाम अल्लाह का दीन है, इन्नत दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वह इस्लाम। इस्लाम से हटकर कोई दीन जो है अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तमाम अध्यान अल्लाह ताला इस्लाम के अंदर भर दिया है, और इस्लाम की हिफाजत खुद जो है ना अल्लाह करने वाला है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज देखेंगे कि सारी दुनिया में अंदर के भी दुश्मन हैं इस्लाम को बिगाड़ने की मुनाफ़िक़ीन बनकर, और इस्लाम मुसलमानों की सूरत में इस्लाम की जड़ें काटने के लिए बैठे हुए हैं, और बाहर के भी दुश्मन जो इस्लाम के बाहर हैं, काफिर हैं या जो है ना मुशरिक हैं, जो इस्लाम के सख्त जो है सख्त तरीन दुश्मन है। लेकिन जो है ये सारे दुश्मन होने के बावजूद भी अल्लाह के दीन का कोई बाल बिगा नहीं कर सकता। कुरान करीम का एक जेर जबर जो है ना वो बदल नहीं सकता। मुसलमानों को दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये क्योंकि ये अल्लाह का दीन है अटल। कई अध्यान आए दुनिया में मादूम हो गए, ख़त्म हो गए, और अगर है भी तो उनकी किताबें जो है ना आज जो है ना बदल गई, और उनके जो संस्कार है या उनकी जो तरीके इबादत है वो जो है ना सारे तब्दील हो गए, बदल गए। आज हिंदुस्तान में देखेंगे 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करने वाले, पूजा पाठ करने वाले हैं, इनका कोई एक जो है ना
कबीले का सही जो है ना मजहब निकाल के नहीं बताते, बता नहीं सकते कि वेदों पर इकट्ठा नहीं हो सकते, पुराणों पर इकट्ठा नहीं हो सकते और किसी जो है इबादत के मकाम पर इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन कुरान करीम का ऐसा मौजूदा है, सारे 72-73 फिरके होने के बावजूद भी सबके हाथ में एक ही कुरान है और सबका क़िबला काबतुल्ला है और सबके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबका खुदा एक है। ये इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं, सारी दुनिया दुश्मन बन के इस्लाम के बुनियादी उसूलों को बिगाड़ नहीं सकते। ये अल्लाह ताला का जो है निज़ाम है, इसीलिए अल्लाह ताला अगली आयत में बयान फरमाया कि युरीदुना लियुतफिनु अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करिहल काफिरून। यानी लोग ये चाहते हैं, ये जो जालिम है इस्लाम को मिटाने की जो साजिशें कर रहे हैं, ये लोग जो है ना अल्लाह के नूर को मिटाना चाहते हैं। अल्लाह का नूर क्या है? अल्लाह का नूर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, इसको मिटाना चाहते हैं। उम्मत को जो है ना इस्लाम को दुनिया से मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का नूर ऐसा है, ये काफिरों के फूकों से, फूक से मुराद जो है ना उनके मशवरों से और उनके प्लानिंग से और उनके जो है ना शोरिश, यानी जो है ना वो जो लश्कर कशी करते हैं, किसी तरीके से भी इस्लाम खत्म नहीं होता। क्यों ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे माए को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूर से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जो सख्त जो है ना बुतपरस्त इस्लाम के मुकाबले के लिए तलवारें लेके आए, उन्हीं को अल्लाह ताला हिदायत दे के मुसलमान बना के इस्लाम के लिए खड़ा किया। ये मौजूदा है इस्लाम का और आज से नहीं बल्कि शुरू से सतीजा कार रहा है अजल से ताइब से, शराब मुस्तफ़ी से शरारे और जो है काबतुल्लाह से जब इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाए तो पूरे काबतुल्लाह के लोगों को बड़े बड़े जाबर और जो है ना बड़े बड़े पहलवानों को अल्लाह ताला इस्लाम में दाखिल कर, या जो है उनके अंदर बहुत ही इस्लाम की दुश्मनी पैदा हुई तो सफ़े हस्ती से मिटा दिया, जैसे अतबा शिबा है, वलीद बिन मुगैरा है और जो है ना अबू लहाब है, ये जो है ना अबू जहल है, ये सब जो है ना इनका बड़े बड़े वहाँ के सरखील माने जाते थे, रूसा अरब माने जाते थे, उनको जो है अल्लाह ताला ने नाबूद कर दिया और बहुत से ऐसे जलील कदर बड़े बहादुर थे उनको अल्लाह इस्लाम में दाखिल किया, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दाखिल इस्लाम करके इस्लाम को आगे बढ़ा दिया अल्लाह ताला। तो इस्लाम का जो है इब्तिदा से लेकर जो लोग इस्लाम के सख्त दुश्मन थे उनको या तो अल्लाह मिटा दिया या तो हिदायत देकर इस्लाम में दाखिल, मगर इस्लाम को ख़त्म नहीं करा अल्लाह, कुरान करीम को ख़त्म नहीं किया, उम्मत मुस्लिमा को नहीं ख़त्म किया। तो यही बात जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाया कि जो है युरीदुना लियुतफिनुल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो लोग जो है ना इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझाए, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर का इतमाम करता है। इसलिए आप इस्लाम की खिदमत करने के लिए मैदान में खड़े हो जाओ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ना बादशाह की जरूरत है, ना दौलतमंद लोगों की जो है ना जरूरत है, अल्लाह खुद अपने दीन का हावी व नासिर मददगार, अल्लाह ऐसे लोगों को जो है ना आपके सामने लाकर झुका देगा, दौलत से नहीं ईमान की ताकत से, खुदा की जो है ना कुदरत से लोग जो है सरनिगू हो जाते। आज हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा कि जो है बड़े बड़े लोग हुकूमती सतह पर और बड़े ताकतवर लोग जो है ना हुकूमत में घुस के इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं और जो है बड़े बड़े संगठन बनाए जा रहे हैं और मुसलमान यहाँ पर निहत्ते हैं, बेयार और मददगार हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम को बराबर अल्लाह ताला यहाँ पर कायम, कभी अजान के नाम पर जो है ना बावेला पैदा किया जा रहा है, बुरफे के नाम पर, पर्दे के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने, जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी का टाइटल देकर मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस्लाम यहाँ पर पनप रहा है। लाखों लोग जो है, कई ऐसे हिंदू है जो ऐसे माहौल में भी इस्लाम की सही जो है सदाकत को जानकर पहचान कर ईमान में दाखिल हो रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे, बड़े बड़े शंकराचार्य इस्लाम में दाखिल हो रहे और बड़े बड़े जो है ना धर्माचारी इस्लाम के समर्थन में खड़े हो जा रहे। ये क्या है? ये इस्लाम की सदाकत है। कोई दुनिया की दौर ना वावेला पूरे हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम को मिटाना चाहिए, इस्लाम को पूरी दुनिया से मिटा देना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन का मददगार होने का ये जिंदा सबूत है। इतनी सख्त जो है ना दुश्मनी में भी अल्लाह हजारों लोगों को हिदायत दे रहा है, इस्लाम में दाखिल हो रहे जो रास्त बाद नेक पाक दिल वाले पाक नफ्स वाले लोग हैं वो बराबर इस्लाम में आए। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि वलव करिहल काफिरून, काफिर जो है ना कराहत करने से अल्लाह अपने दीन को छोड़ता नहीं बल्कि उसको जो है ना अल्लाह ताला इतमाम तक पहुँचाता।
هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق یہی تو اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیجا ہے کہ باطل دین نہیں ہے حق دین ہے حق دین ہونے کی وجہ سے لاکھوں دشمن ہونے کے باوجود بھی یہ دین جو ہے نا سرکلر ہے جس طرح اندھیرا جتنا کالا ہوتا ہے گہرا ہو جاتا ہے چراغ جو ہے نا اتنا روشن اپنی روشنی جو ہے نا بکھیرتا ہے روشنی اتنی تیز نظر آتی ہے تو اسی طرح اسلام ایک نور ہے اور جتنا ظلمت اس کا مقابلہ اس کے مقابلے میں آئے گی وہ جو ہے ظلمت کو مٹا کر اتمام نعمت یا اتمام نور کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے دین الحق لیزر علی دین کلی ولو کلی حل مشرکون اور اللہ جو ہے اپنے دین کو جو ہے نا مکمل کرے گا اور مشرک جو ہے نا وہ چاہے کتنے بھی کوششیں کرے اور علی دین کلی کے معنی کہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے گا یہی بشارت ہندوستان کو جنت نشان بننے کی بشارت ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں شب گریزاں ہو گیا آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ہندوستان جنت نشان بننے والا ہے اسلام کی آغوش میں اسلام کی رحمت میں آنے والا ہے اور جو لوگ حق پرست لوگ ہیں وہ برابر اسلام میں داخل ہوں گے برابر جو ہے نا اسلام قائم ہوگا ایک دن جو ہے نا ہندوستان کے اندر اسلام کا نور اسلام کی روشنی جو ہے چاروں طرف جو ہے نا جگمگ آئے گی اور چاروں طرف جو ہے نا کھڑی ہو جائے گی حضرت صاحب کا گانا حضرت مولانا صدیق دیندار چندن صاحب کا حضرت العزیز کی بشارت ہے تہجد کی نماز میں آپ کو جو ہے آواز آتی ہے کہ تمام ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے یہ اللہ کا پلان ہے یہ اللہ کا جو ہے نا فرمان ہے اللہ کا جو ہے نا حکم ہے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کام کو انجام دینے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال دنیا کی جو ہے نا مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے نور کو جو ہے نا ختم نہیں کرتا اس کا نور چاروں دہان جو ہے پھیلنے والا ہے اور کیونکہ ہندوستان جنت نشان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک ملک سے ٹھنڈی ہوا آئی اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علامہ اقبال جو ہے نا آپ کے الفاظ کو اپنے اشعار میں بیان فرمائیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی چشتی نے جس چمن میں پیغام حق سنایا نانک نے جس وطن میں وحدت کے گیت گایا توحید کی لئے سنی تھی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی یہاں کے مٹھوں مندروں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں کے ہندوستان کے مندروں میں لکھا ہوا ہے تین تین مونیشور کے مندر میں جو ہے کرناٹکا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے بڑے کل بسپا کے مٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وروی کی جو ہے نا مونیشور مٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور جو ہے اس کے جو ہے شرنگیری شنکراچاری کے مٹ میں کل میں تجربہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے امن آباد کے اندر مانک پربھو ان کی جو ہے نا کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ہے بندہ جو ہے بندہ راہ نہ جانے سو ہے گندہ لا الہ سے دم کو لے کر الا اللہ میں ٹھہر جانا محمد رسول اللہ کہہ کے روزہ نماز کرتے رہنا اپنے دم پہ قائم رہ کے موت کے آگے مر جانا مانک سگ ہے نبی کے در کا باندھ لیا ہے گلے میں تاگا تاگا ہے میرے رب کے ہاتھ میں جدھر کو کھینچا ادھر کو بھاگا یہ جو ہے پدے مالا کتاب میں جنہیں لکھا ہوا ہے مانک پربھو کی کتاب ہے پدے مالا اس کے اندر جو ہے نا یہ باتیں لکھی ہوئی ہے تو یہاں کے کتابوں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں یہاں کے مندروں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور یہاں کے آچاری رشی منی سب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے تھے آپ پر جو ہے نا درود و سلام جو ہے نا بھیجنے والے تھے آپ کی تعریف اور توصیف آپ کی جو ہے نا عزت کرنے والے تھے یہاں کے رشی منی لوگ لیکن چند جو ہے فسادی لوگ ان چیزوں کو بدل کے یہاں پر اسلام کے مبارک پیغام کو اسلام کی مبارک روشنی کو مٹانے کی کوشش کر رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ حق پرستوں کا ساتھ دیتا ہے اور حق کی جو ہے نا جیت ہمیشہ ہوتی ستیہ میں ہی بجائے تھے ست کی جو ہے نا ہمیشہ جیت ہوئی ہے اور ست کی جو ہے نا جیت ہو کے رہے گی تو لہٰذا اس سورے میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ لیزور دن کے لیے وہ پکا بلّہ شہید اور اس کے لیے اللہ کافی ہے کسی حکومت کی کسی تلوار کی یا کسی جو ہے نا بڑے بڑے سنگھن کی ضرورت نہیں ہے اللہ جو ہے انہی سنگھن کے لوگوں کو اسلام کی جو ہے طرف موڑے گا اور یہی لوگ اسلام کا جھنڈا لے کے آگے بڑھیں گے دیکھیں گے دنیا آگے جو ہے جس طرح چنگیزی لوگ جو بالکل جو ہے نا ظالم طبیعت والے تھے اور جو ہے نا ایسے جو ہے چنگیزیوں کو جو منگول تھے ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر داخل کیا پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بھلا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا تو ابھی جو ہے نا وہی اللہ ہے اور وہی جو ہے نا دین ہے وہی اسلام ہے
और अल्लाह की जो है ना वही ताकत है और वही सूरज है, वही चांद है, तो आज भी वो चीज़ जो है ना पैदा हो सकती है। तो बहरहाल ये हिंदुस्तान बहुत मुबारक मुल्क है, लोग यहाँ पर फसाद पैदा करके आपस में इंसानियत को बांटना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम सबकी इज्जत कायम करने के लिए, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम तमाम अध्यान का मजमा है। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की विदेशी मजहब नहीं है, स्वदेशी मजहब जिसको शांति धर्म कहा जाता है, यहाँ की जो है ना किताबों में लिखा हुआ है ओम शांति शांति शांति, शांति का माना ही इस्लाम होता है। इस्लाम के माने क्या है? सलामती के। तो यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े जो यहाँ के जो पंडित हैं, यहाँ के जो है आचार्य शास्त्री लोग, वो जो है ना शांति को इस्लाम का जो है ना माना करके दिखाए, डॉक्टर विनोद भावे जो ना, और गांधी जी अपने तर्जुमे में बताए कि इस्लाम जो है ना शांति को अगर आदमी में माना करेंगे तो इस्लाम होता है। तो ऐसे बहुत से लोग, और हकीकी मानों में शांति के माने इस्लाम के ही, तो ये जो है ना शांति होने वाली है। तो तमाम मजाहब की इज्जत इस्लाम से करता है, राम की इज्जत करो, कृष्ण जी की इज्जत करो, गौतम बुद्ध की इज्जत करो, बाबा नाना की इज्जत करो, जितने भी मजहबी और नेक लोग हैं उनका आदर करना चाहिए, यही इस्लाम से कहा। कुल्लू मिना सालहीन, कुरान जो है कहता है कि जितने सालहीन है नेक है उनको मानना चाहिए। आमंत बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबी व रसूली, तमाम रसूलों पर ईमान लाओ, तमाम किताबों पर ईमान लाओ। हम वेदों को जो है ना सच्चे मानने वाले हैं, गीताओं को जो है ना सच्चे मानने वाले हैं, सब जो मजहबी किताब है उनके अंदर सच्चाई है। बाज लोग जो है ना आपस में आकर जो है ना घुसपैठी करें, लेकिन जो असल जो अवतारों की जो किताबें हैं उनके अंदर सच्चाई है। आज भी जो है तब्दील करने के बावजूद बहुत सी सदाकतें किताबों के अंदर बाकी है, इंजील में बहुत सी जो अल्लाह पर नूर हिदायत जो है ना बाकी है। इसी तरह यहाँ के वेदों शास्त्रों के अंदर भी सच्चाई बाकी है। राम कृष्ण सबका जो है ना आदर करना, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज़, अहले वतन समझते हैं उनको ईमान हिंद। ऐसे कई दलाल है, यहाँ के बड़े बड़े बुजुर्ग जो यहाँ के राम और कृष्ण की तारीफ करें, अगर मैं दलाल देते जाऊँ तो वक्त बहुत जो है ना ज्यादा हो जाएगा, लंबा जो है ना वक्त दरकार है इसके लिए। तो ऐसे कई औलिया अल्लाह बुजुर्ग आने दिन यहाँ के राम और कृष्ण की इज्जत करें, और यहाँ की जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो दरसगाह है हिंदुस्तान की जामे देवबंद दारुल उलूम देवबंद, उसकी जो बानी है मौलाना कासिम नानुतवी, वो जो है ना अपनी किताब में लिखते हैं कि राम और कृष्ण को बुरा मत कहो, ये भी एक वक्त के नबी हो सकते हैं, यहाँ के पैगंबर हो सकते हैं। ऐसे जो है माना शम्स नवेद उस्मानी, अगर अब भी ना जाएंगे तो किताब लिखे, उसके अंदर राम और कृष्ण की बेइंतहा जो है ना वो तारीफ की, वो जो है यहाँ के नबी है, यहाँ के पैगंबर है। ऐसे कई जो है ना बुजुर्ग जो हिंदुस्तान के अंदर हैं औलिया अल्लाह में से, और बड़े बड़े जो है ना इल्म के उलमा है, इल्म रखने वाले, वो बराबर यहाँ के जो है बुजुर्गों की तारीफ करते हैं। बहरहाल इस्लाम सबकी इज्जत सिखाता है, इस्लाम जामे मजहब है, तमाम मजहबों की सदाकत को जो है ना मानने वाला मजहब है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जो है ना हक परस की जो है ना तौहीन नहीं करें, बल्कि तमाम जो हक परस हैं नेक है, अल्लाह की तरफ से आने वाले सच्चे हैं, उनकी जो है ना तस्दीक करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तरफ जो है ना बुलाने की तौफीक अता करें, दीन की खिदमत करें उनसे। बारकल्लाहु लना व लकुम फी कुल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिहि सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून السلام عليكم ورحمة الله وبركاته